आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। दुमका उपचुनाव को लेकर पार्टी का प्रचार ज्वार पर है। मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने के लिए जहां झामुमो के बसंत सोरेन अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ गांव टोले मोहल्ले में बैठक कर रही हैं, वहीं भाजपा ने भी अपने पक्ष में जनाधार को करने के लिए सारा प्रयास लगा दिया है। भाजपा जानती है कि महिला शक्ति एक विशाल शक्ति है, इसलिए मसलिया के दलाही हाईस्कूल मैदान में शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में महिला चौपाल का आयोजन किया गया। महिला चौपाल में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शिरकत करते हुए कहा कि भाजपा 5 साल के कार्यकाल में यहां की जनताओं के विकास के लिए सड़क, बिजली, रोजगार देने का काम किया है। साथ ही चौपाल में उपस्थित 21 पंचायत के सखी मंडल के महिलाएं को संबोधन करते हुए कहा कि महिलाओं के विकास के लिए फ्री गैस सिलेंडर व चूल्हा के अलावे सखी मंडल के सहारे सिलाई बुनाई आदि कई तरह के प्रशिक्षण दिलवाया गया, जिसके चलते आज महिलाएं अपने आप में निर्भर बन रही हैं। वहीं झामुमो को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि झामुमो सरकार निकम्मे सरकार है। झामुमो 9 महीने के कार्यकाल में अपना किया हुआ वादा का एक भी कार्य नहीं कर पाए हैं। कोरोना जैसी महामारी के काल में भी यहां की जनता को सहायता ना देकर सीधा हाथ खड़ा कर दिया, यह कहकर कि खजाना खाली है। ठग मुख्यमंत्री से पूछिए कि खजाना खाली नहीं तो क्या भरा रहेगा। जब सारा राजस्व सोरेन परिवार को जाए तो हेमंत सरकार में रात को पकड़े गए पत्थर लोड 1000 ट्रक सुबह गायब। वही महिलाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार बनी तो निश्चित रूप से आप लोगों के मान सम्मान का ध्यान रखा जाएगा। मसलिया से ज्योतिर्मय दास की रिपोर्ट।